तो देखिए आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम प्रिंट से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी हो, क्या क्या चेंजेस नहीं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं एक टॉपिक के बारे में, जब हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंट प्रीव्यू करके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसमें हमारी कंपनी का GSTN नंबर, ऊपर टैक्स इनवॉइस, कंपनी का नेम, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट, यहाँ पर इनवॉइस, यहाँ पर डेट, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पर रिवर्स चार्ज नो, बिल पार्टी, सिप पार्टी, यहाँ पर GSTN नंबर, नीचे हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया कि 18% टैक्स आइटम रेट था, 10% CGST, SGST, टोटल टैक्स, और इतना नीचे कंपनी की ऑथर साइन एंड देन सिग्नेचर। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो बाय डिफॉल्ट BC के अंदर आती है। किसी ने कहा सर मुझे अपने बिल पे अपनी बैंक की डिटेल डालनी है, क्या करनी है मुझे? किसी को बैंक की डिटेल डालनी। किसी ने बोला सर मुझे डिक्लेरेशन लिखनी है अपनी कि मैं इस लो से बिलोंग करता हूँ, मैं सर सर्विस का काम करता हूँ, सर मैं यह चाहता हूँ कि कितनी क्वांटिटी बेची उसकी क्वांटिटी का टोटल भी यहाँ शो हो जाए, सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ना कंपनी के ऊपर नीचे ऑल काइंड बैक मटेरियल लिख के आ जाए, मैं ये चाहता हूँ मेरे यहाँ कुछ अलग सी फॉर्मेटिंग आ जाए, मैं चाहता हूँ सर मेरी कंपनी का लोगो यहाँ लग के आ जाए, सर मैं यहाँ चाहता हूँ मेरा कुछ और चीज़ बन जाए, तो सारी चीज़ें वो कहाँ से होती है? उसके लिए इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग की मदद लेनी पड़ती है। कहाँ पर? आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे और इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। कहाँ जाएंगे आप लोग? इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग पे आएंगे और यहाँ से मिलेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे और सेल इनवॉइस। जैसे सेल इनवॉइस पे क्लिक करा तो ऊपर एक टॉपिक लिखा ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई ऑन द बेस ऑफ सेल टैक्स। क्या लिखा है ऊपर टॉपिक? ऑटो प्रिंट टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। ये अपने आप ही ऊपर क्या लिख देगा? टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कब लिखेगा? जब आप कंपोजिशन स्कीम में काम करें। कौन सी स्कीम में काम करेंगे आप लोग? कंपोजिशन में। तब जो आप बिल निकालेंगे सेल का उसके ऊपर लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। क्या लिख के आएगा उसके ऊपर? बिल ऑफ सप्लाई। चलें आगे। ठीक है, एक लिखा होता है कि सर मुझे यहाँ पर क्या शो करना है? एज मेंशन इन सेल टैक्स। अगर मैं इस टॉपिक को क्लिक करूँ और यहाँ पर जाऊँ और कोई प्रिंट आउट निकालूँ तो आप देखिए, अब मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो ऊपर एक शॉर्टकट होती है प्रिंट प्रीव्यू की। क्या लिखा है? ओल्ड बटन दबा दो या फिर कंट्रोल बटन दबा दो। तो मैंने ओल्ड दबाया एंड पी दबाया, सेल इनवॉइस और स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और जैसे ही करा तो ऊपर देखो कोई भी चीज अब शो नहीं हो रही। क्लियर है? तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम यह करते हैं। पता है वहाँ पर वो वर्ड लिखा गया था, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं करा, यहाँ पर लिखा था एज मेंशन इन द सेल टाइप। क्या लिखा है? कुछ समझ आ रहा है किसी को? ये कह रहा है कि जो आप बिल काट रहे हो ना, जो यहाँ सेल टाइप लिखा है, इसके बिहाफ से उठाऊंगा मैं। तो मैंने इसको मॉडिफाई करा तो यहाँ पर लिखा होता है इनवॉइस हेडिंग, तो मैंने बोल दिया कॉमन इनवॉइस और सेव कर दिया। और जब भी मैं इस टाइप को सिलेक्ट करके प्रिंट निकालूंगा तो ऊपर क्या निकल आएगा? मेरा कॉमन इनवॉइस। क्या आ जाएगा? कॉमन इनवॉइस। तो मैं अपने हिसाब से भी रख सकता हूँ। क्लियर है? सेल टाइप का मतलब समझ में आ गया कि सेल टाइप के अंदर जो भी डालेंगे 40 कैरेक्टर। चले आगे। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? एज मेंशन। एज मेंशन बिलो। अभी कह रहा है कि सर क्या यहां पर जो लिखना है वो कर दो। पहले तो ऑटोमेटिक, दूसरा और तीसरा एज मेंशन बिलो हेयर। आप यहां डाल दो, जो आप डालोगे ना ऑटोमेटिक में उठा दूंगा वहां से। तो आप यहां से भी कर सकते। समझ आ रहा है टॉपिक? देन लास्ट वन क्या लिखा है? नन। इस पर कुछ करो तो कुछ भी शो नहीं हो। इस पर करोगे तो अपने आप आएगा, इस पर करोगे तो किससे उठेगा? ये आपका सेल टाइप से और इससे ऑटोमेट। क्लियर है? यहाँ मेरी कंपनी का नेम, बहुत से लोग कहते हैं सर मेरी कंपनी का नाम यहाँ पर ABC कंपनी का नेम है। मेरी कंपनी का नाम क्या? ABC कंपनी। ये मेरी कंपनी का नाम, लेकिन सर जब मैं प्रिंट आउट निकालूँ ना तो मेरी कंपनी के नाम पर KR शो। क्या शो? KR शो। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर मैं जितने भी बिल निकालूंगा सब पे क्या शो करेगा? ABC कंपनी शो करेगा, लेकिन बिल मुझे किसके नाम से निकालना है? KR के नाम से। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, स्टैंडर्ड, सेल इनवॉइस और यहाँ पर KR इंटरफेस। ठीक है,
क्लियर है, इसको सेव कर दूं और दोबारा कहाँ जाऊं, सेल टाइप में प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं और ओके कर देता हूं। आ गया ऊपर, कोई प्रॉब्लम, कंपनी का नाम आपका डिफरेंट हो गया, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हेडर। जैसे लिखा होता है ना, आप कहीं जाते हो तो तुमने विजिट कार्ड पे लिखा होता है ओल्ड काइंड ऑफ बैग मटेरियल या ओल्ड काइंड ऑफ फैन आइटम, ओल्ड काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम, ठीक है। जो भी आपको कमेंट टाइप करना है वो आपके एज अ डिस्क्रिप्शन बन जाएगी कि ओल्ड काइंड आ गया। अब इसको सेव करोगे तो आपकी हेडिंग क्या बन के आ जाएगी, देखिए यहाँ पर नीचे, क्लियर है। तो ये आपका सब टाइटल ही बन जाता है, ये प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग सभी। देन नीचे आता है, एक आता है प्रिंट नेक्स्ट। अब हम क्या पहुँच गए, अभी हमारा पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आता है, प्रिंट आउट बॉक्स एंड वर्टिकल लाइन। अगर मैं इस टॉपिक को नो कर दूँ और प्रिंट निकालूँ ना तो होगा क्या, आपकी लाइन सारी हट जाएंगे। बहुत से लोग आपने देखा होगा मार्केट में उनके पास छपे छपाए फॉर्मेट आते हैं, वो कहते हैं खाली मेरे कंटेंट छप के आ जाए और मेरा फॉर्मेट वैसा रहेगा। तो हम लोग वहाँ पर क्या कर देते हैं, आउटलाइन को हटा देते हैं, आउटलाइन को क्या कर देते हैं हम लोग हटा देते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो टॉपिक का नाम क्या होता है, ये टॉपिक को हम लोग नो कर देंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन आती है, क्या होती है, ये बिल के ऊपर एक अलग से मैसेज शो करता है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऑथेंटिकेशन का बेसिक पर्पस क्या है, यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन करके आ जाता है, ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। देन नेक्स्ट आ गया प्रिंट ITC, ये टॉपिक हमेशा आपका क्या रहता है, नो ही रहता है, इसको नो ही रहने दो। देन नीचे टॉपिक आता है प्रिंट कॉपी टाइटल ओरिजिनल डुप्लीकेट रिस्पेक्ट। अगर मैं इस टॉपिक को नो कर दूंगा ना तो आपको कभी भी वहां पर ओरिजिनल डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपी शो नहीं होगी, ठीक है। वो टॉपिक आपसे पूछ रहा है ना आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्लियर है। उसने पूछा कंपनी का ITI पैन कार्ड चाहिए, देन चाहिए तो यस। उसने पूछा पार्टी की क्या डिटेल चाहिए, तो आपने यस करोगे, इसके आगे जैसे ही आप यस करोगे ना तो यहाँ पर पार्टी की डेट आ जाएगी। जैसे मैंने बोला प्रिंट नेम, प्रिंट पेन, प्रिंट ईमेल, प्रिंट मोबाइल नंबर, प्रिंट आधार कार्ड नंबर और इसको सेव। जैसे ही मैंने सेव करा और इसके अंदर मॉडिफाई पे गया और प्रिंट प्रीव्यू करके चेक करा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा, पार्टी पैन कार्ड नंबर, पार्टी ईमेल ID, पार्टी मोबाइल नंबर, पार्टी आधार कार्ड नंबर। चलें आगे नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपने कहा कि सर मैं कितने समय टाइम बना लूं, नीचे बिल में डेट भी लिख के आ जाए कि हमारे टाइम इस डेट को या इस टाइम को बनाए, तो आप इस टॉपिक को यस करेंगे, ओके करेंगे और फिर इस बिल को मॉडिफाई करेंगे। जैसे ही आप इस बिल को मॉडिफाई करेंगे तो आपका नीचे डेट एंड टाइम भी शो हो जाएगा, क्लियर है। ये बिल बना था 8:35 पर, लेकिन प्रिंट हम कब निकाल लें, इस समय, ठीक है। तो जिस वक्त ये टाइप क्रिएट हुआ होगा ना वो चीज शो करता है, ये जो बिल बना होगा फर्स्ट टाइम। देखो मैं बनाऊं नेक्स्ट बिल, ठीक है। आप कभी भी इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो हमेशा 9:02 ही दिखाएगा, ठीक है। वो लिखा हुआ अभी, हाँ यहाँ पर लिखा है ना प्रिंट वाउचर क्रिएशन टाइम, क्लियर है। उसके ऊपर कह रहा है कि आपको ऊपर बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस शो करना है या नहीं शो करना, तो बाय डिफॉल्ट हमको शो करना ही होता है, तो उसको दिया जा सके। प्रिंट नरेशन, क्या आपको प्रिंट में नरेशन चाहिए। नरेशन क्या होती है, नरेशन होती है अदर इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी किसी का बिल काटते हैं ना तो नरेशन में लिख देते हैं यहाँ पर कि GST के हिसाब से तो बिल नंबर ये है, लेकिन मेरी कच्चे की बुक के हिसाब से बिल नंबर ये है, क्लियर है। इसको ओके करेंगे, ठीक है।
अब देखो जैसे ही सेव करोगे तो आपके बिल में अब नरेशन भी शो होना शुरू हो जाएगी। आगे बिल नरेशन, नेक्स्ट प्रिंट डेली मैसेज। क्या लिखा है? प्रिंट डेली मैसेज। मुझे ना मैसेज करना कि जो भी मेरे रेस्टोरेंट में आता है तो मुझे लिख के आना चाहिए थैंक यू फॉर विजिट या वेलकम या कुछ टाइप का भी कमेंट लिखना है। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? आप आएंगे बल्क अपडेशन के अंदर, नहीं आप आएंगे यूटिलिटी में और सबसे ऊपर लिखा होगा ये आएगा मिसलेनियस मास्टर में, ठीक है डेली मैसेज। और जो भी आप यहाँ टाइप करोगे ना वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। ठीक है थैंक यू फॉर विजिट आ गया। जब भी मैं कोई बिल निकालूंगा ना नीचे एक मैसेज लिख के आएगा। हमने कहीं गलती कर दी, सेफ नहीं हुआ। हमने बोला ये 14 तारीख से और वैलिडिटी में क्या बोल दिया हमने? 0 दिन। हमें कम से कम 1 दिन तो बोलना चाहिए ना, या 10 दिन। 10 दिन की वैलिडिटी डाल दी। अब देखिए आपका ऑटोमेटिक शो हो जाएगा प्रिंट। ये कंटेंट या वर्डिंग के लिए यूज होता है कि नीचे मैसेज लिखना होता है तो यहाँ पर लिख के आता है थैंक यू फॉर। शायद हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में टॉपिक को यस नहीं करा। यस करा था स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर इनवॉइस के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर, यहाँ से मिलेगा हमें टॉपिक भी हमने यस कर रखा है, फिर क्यों नहीं शो हो रहा? डेट गलत है, 12/7 ले रखा है। देख लेते हैं क्या गलती है। मिसलेनियस डेली या 1/7 करने के लिए से और 10 days। अब ठीक हो जाएगा, तारीख ही गलत थी वो पहले। अब भी नहीं आ रहा, ठीक ठीक कर रहे हैं। हाँ मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। अगर मोबाइल पे मैसेज चाहिए ना उसके लिए भी आता है। चलें आगे। तो आप यहाँ पर जो भी मैसेज डालोगे वो उस तरीके के मैसेज आपके प्रिंट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है यूजफुल पेज फॉर डॉक्यूमेंट। ये पूरे पेज पे आएगा। अगर आप इस टॉपिक को नो कर दोगे तो जितना आपका डॉक्यूमेंट का साइज होगा खाली उतने पे ही आएगा। ये देखो छोटा कर दिया ना, वो जितना पेपर आपका साइज होगा उतना ही बनेगा। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे आप। अब देन आगे चलते हैं, बाकी सारा है आपको यहाँ पर जो टॉपिक यस करना है या नो करना है वो कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो जीरो अमाउंट की आइटम है उसको प्रिंट में शो करना है या नहीं करना। मैंने बोला जो जीरो आइटम है उसको प्रिंट में शो नहीं करना। तो जो जीरो अमाउंट वाली आइटम होगी प्रिंट में शो नहीं होगी। ऐसी जिस आइटम का सब टोटल जीरो है उसको प्रिंट में शो करना है या नहीं करना। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल सेपरेटली। और ये टॉपिक बाय डिफॉल्ट यस होता है। ये टॉपिक होता क्या है, जैसे आप कभी मार्केट में फ़ोन खरीदने जाते हो बिल तो आपका कैश के नाम पर काटता है लेकिन प्रिंट में आपका नाम आता है, ऐसा कैसे होता है? इसके लिए आपको सबसे पहले एक टॉपिक अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए कहाँ जाएंगे आप? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, किस में? मैंने बोला GST पे। और यहाँ से आपको एक वर्ड मिलेगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप किस टॉपिक को अनेबल करोगे? सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल, इसको यस करेंगे और सेव हो गए सेव। उसके बाद परचेज पे जाएंगे, सेल पे। आप जैसे यहाँ कैश लिखेंगे ना एक पॉपअप खुल के आएगा और यहाँ से पूछेगा आपसे, क्या पूछ रहा है? एज पर पार्टी मास्टर या एज पर बिलिंग? मैंने बोला एज पर बिलिंग। पार्टी क्या है मेरी? अनरजिस्टर्ड। किसके नाम से बिल काटना है? जिसके नाम से बिल काटना है। अभी आ रहा हूँ, बैठो तुम।
टाइप ऑफ वो बताता हूँ क्यों ऐड है। आ गया इस पार्टी की जितनी इंफॉर्मेशन, और देखो इसने नीचे बोला भी है ये पार्टी किससे बिलोंग करती है, और इसका इनपुट क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर है आपके। आ गया, यहाँ डालिए, ओके कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिए। तो देखिए बिल बना कैश के नाम से, बिल बना कैश के नाम, और प्रिंट में क्या शो होगा आपका, शिफ्ट में बताता हूँ। अब यहाँ समझ में आ गया जीएसटी में होता क्या है, बिल्ड और शिफ्ट मतलब क्या होता है। किसी पार्टी ने मुझे ऑर्डर दिया, किसने, पार्टी ने मुझे ऑर्डर दिया और कहा कि मेरे पास ना बेच के आप किसी और पे माल भेजना है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं उसका प्रिंट आउट निकालू ना, तो उस पार्टी में सबसे पहले तो उसका नाम शो हो जाए। किसका नाम शो हो जाए, उस पार्टी का नाम शो जिसने मुझे एड्रेस दिया है या जिसने मुझे ऑर्डर दिया है। यहाँ उसका नाम आता है जिसने मुझे ऑर्डर दिया। शिफ्ट का मतलब जहाँ उसके पास ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है, जहाँ ट्रांसफर करना होता है। कोई प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों की एक प्रॉब्लम इसमें आ जाती है कि सर आप जो यहाँ कैश लिखते हैं ना, हमारा यहाँ कैश में नहीं आता। किस में नहीं आता, कैश में नहीं आता। ये वाली चीज़ें यहाँ आ जाती है सारी, ये वाली चीज़ यहाँ आ जाती है, कैश शो नहीं होता। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपका इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर एक टॉपिक ये ऐसे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल। अगर आप इस टॉपिक को नो कर दोगे ना, तो आपका हमेशा शिपिंग वाला ही प्रिंट में आएगा। ये देखिए पशुपति का निकाल लिया, हमको निकालना था कैश का। किसका नाम आएगा, अभिलाष, क्योंकि हमने अब बोल दिया अब पार्टी हमारी एक ही है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी जनरेट होती है, ओनर आपसे कहते हैं कि पार्टी ने ऑर्डर दिया मुझे, उसका नाम भी प्रिंट में चाहिए, लेकिन जिसके पास माल जाए उसका नाम भी मुझे प्रिंट में चाहिए, तो आप किस टॉपिक को अनेबल करेंगे, तो आप सबसे पहले इनवॉइस में स्टैंडर्ड के अंदर किस टॉपिक को अनेबल करेंगे, प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल सेपरेटली, इस टॉपिक को क्या कर देंगे, यस। ये टॉपिक यस करने के बाद आपको कहाँ जाना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, जिस पे करना है उस पे जाके क्या टॉपिक अनेबल कर देना है आपको, सेपरेट बिलिंग। उसके बाद जब भी आप कोई कैश का बिल काटेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा आपका, ऑटोमेटिक ये पॉपअप आएगा। मतलब अब इसको इससे मतलब नहीं है, आप जो नाम यहाँ डालोगे वो यहाँ पर शो होगा। एज पर पार्टी मतलब होता है जो रिपोर्ट बनेगी वो पार्टी के हिसाब से बनेगी। किसके हिसाब से बनेगी सारी रिपोर्ट, पार्टी। लेकिन अगर एज पर बिलिंग कर दूँ तो जो आप यहाँ डालोगे उसके हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। क्लियर है, याद रखना पार्टी का मतलब, जो मैं अगर मैं पार्टी लिख दूंगा तो पार्टी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसका सारा इनपुट मुझे मिलेगा। कौन सा बता, आपका लॉक लगा रखा है कंपनी में, आपको राइट है, ठीक है, नहीं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है उस टॉपिक का नाम है प्रिंट इन लैंडस्केप मोड। अभी आपका पोर्ट्रेट इसमें होता है, किसमें होता है, पोर्ट्रेट। अगर आपको लैंडस्केप करना है तो इस टॉपिक को यस कीजिए और अब आपका बिल लैंडस्केप में आएगा। इसको ओपन करें, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपका बिल अब कैसे हो जाएगा, लैंडस्केप में। पहले पोर्ट्रेट होता, अभी क्या हो गया आपका, लैंडस्केप, ठीक है। अगर आपको ऐसे बिल चाहिए तो ये आपका लैंडस्केप फॉर्मेट कहलाता है। उसको अनेबल और नो करने के लिए यहाँ जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो आती है हमारे पास आती है पार्टी स्टेट। अगर आप इस टॉपिक के यस करेंगे ना तो पार्टी का स्टेट भी शो होने लगेगा, किस पार्टी से बिलोंग करती। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि प्रिंट में जीएसटी एंड एचएसएन कोड शो करना है या नहीं करना। अगर आपको प्रिंट में एचएसएन कोड शो नहीं करना तो आप यहाँ क्या कर दोगे, विदाउट एचएसएन कोड या विच एचएसएन कोड या नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे तो आपका एचएसएन कोड प्रिंट में ठीक है। टैक्स समरी में एचएसएन कोड शो नहीं होगा, क्या लिखा है, प्रिंट समरी में शो नहीं होगा, ठीक है। अब आता है लोगो लगाना, तो क्या क्लिक करेंगे, प्रिंट लोगो।
आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा होता है इमेज पाथ, इस फोल्डर पे क्लिक कीजिए और जो भी आपकी इमेज का पाथ है वो इमेज का पाथ यहाँ से दे दीजिए, वो आपकी लोगो बन जाए। जैसे मुझे इसका लोगो देना है, क्या टॉप में देना है, सेंटर में देना है या लेफ्ट, हमेशा लोगो लेफ्ट में ही होता है, तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप हाइट बोल सकते हो उसकी, मैंने बोल दिया इसकी हाइट 1 और विड्थ भी 1, तो आप इसको सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे और जब भी आप प्रिंट निकालेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर लोगो शो होने लगे। अभी क्या रहा है, नो इमेज, मतलब वो लोगो सही नहीं लगा, वरना जो लोगो सही होता तो ऑटोमेटिक क्या बन जाती है, आपकी एक इमेज बन जाती। आपने देखा हो बहुत से लोग जहाँ से आप माल खरीदते हो उसके ऊपर इनवॉइस लगी होती है, ठीक है, वो यहाँ से आती है सारी, क्लियर है, इस तरीके से आपकी इनवॉइस आ जाती है। हो सकता है या इनवॉइस का साइज छोटा कर, हम साइज बढ़ा दें क्या पता आ जाए, ठीक है, ये आपकी इनवॉइस होती है। ये PNG के अंदर अगर आप JPEG फॉर्मेट में होती तब आती है। पिक्चर पे क्लिक करते हैं, सेफ पिक्चर, हमारे पास कोई पिक्चर है ही नहीं, अगर सेफ होती तो देख लेते हैं कोई पिक्चर सेफ है तो प्रिंट में आ जाएगी। आगे पिक्चर, ठीक है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और किसी फॉर्मेट में रीड नहीं करता। देन डिक्लेरेशन आती है कि आपको कोई डिक्लेरेशन लिखनी है कि मैं इस एक्ट से बिलोंग करता हूँ या मैं सर्विस सप्लाई करता हूँ, तो जो भी आप डिक्लेरेशन के अंदर डालेंगे ना वो ऑटोमेटिक आपकी डिक्लेरेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आपकी डिक्लेरेशन बन जाएगी सर्विस एक्ट 1944, ठीक है, ये डाल दीजिए और ओके करेंगे ना तो आपकी डिक्लेरेशन बन के आ जाएगी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे 20 डेज के अंदर पेमेंट चाहिए, तो आप लिख दो कि पेमेंट क्लियरिंग डेज 20 डेज, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगी। आगे सर्विस एक्ट 1944। किसी ने कहा सर मुझे बैंक की डिटेल डालनी है, तो एडवांस के अंदर आई और यहाँ पर लिखा होता है बैंक डिटेल, यहाँ लिखो अकाउंट, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर दिस, ठीक है, आ गया। इसको आप सेव करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ से आपका वो शो होने लगेगा बिल में। आ गया, आपको एक और बैंक लिखना है तो उसके नीचे वाली लाइन में डाल दीजिए एक और, तो आपका एक और शो हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, आपने कहा कि मुझे एक और कंडीशन लिखनी है, तो आप यहाँ पर कंडीशन 2 डालने चाहते हो वो कंडीशन डाल दो, आपकी एक और कंडीशन आना शुरू हो जाएगी। हो गया, क्लियर है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, कॉल कंडीशन आ गई। किसी ने कहा सर आपने ऊपर KR का नाम तो चेंज कर दिया लेकिन ABC तो चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ पर ये कैसे चेंज करोगे, तो आप वहाँ जाएंगे एडवांस में सेल में, यहाँ से मिलेगा फॉर ABC कंपनी का क्या कर दो, KR एंटरप्राइज, बस, क्लियर है, और सेव कर दो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेपरेट, ये बिल डिजाइन अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोला मुझे डिस्क्रिप्शन की हाइट को छोटा करना है, मुझे 20 करना है, तो आप यहाँ 20 कर दीजिए। उसके बाद आपने बोला मुझे क्वांटिटी का साइज बढ़ा देना है, मुझे 15 दिखाना है, तो कितना कर दिया 15। ये अपने हिसाब से फॉर्मेट बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जो आप प्रीव्यू देखते हैं ना, प्रिंट प्रीव्यू, ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने छोटा बड़ा करा, तो यहाँ पर देखिए आपका मेरी क्वांटिटी का साइज तो बड़ा हो गया और मेरी आइटम का साइज छोटा हो गया। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको टॉपिक अनेबल, नो करना, यस करना, ये सारा काम किसके अंदर होता है, प्रिंट के अंदर होता है। कौन सी चीज़ आपको नहीं चाहिए, आपने कहा सर मुझे क्वांटिटी का कॉलम नहीं चाहिए, तो क्वांटिटी को 0 कर दो, अब आपकी आइटम नहीं शो होगी प्रिंट में, आइटम डिस्क्रिप्शन 1 डाल दो। आपने कहा आइटम डिस्क्रिप्शन ना लिख के आए, आइटम नेम लिख के आए, तो आप डिस्क्रिप्शन का क्या नाम लिख दो, आइटम नेम, और इसको सेव कर दो। कह रहा 96 होनी चाहिए, बाकी किसी एक में बढ़ा दो, ठीक है 19 इसमें बढ़ा दो, 34 कर दो इसको, सब कुछ यहाँ से चेंज हो सकता है आपके प्रिंट से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली पूछा जाता है आप सभी से। तो यहाँ पर देखिए, अब आपकी क्वांटिटी का साइज बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, ठीक है, इसकी साइज बढ़ा दी, उसका साइज हमने छोटा कर दिया।
ये सारा आपका इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? ये इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। कल आके इस टॉपिक के बारे में एक बार आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस करके आएंगे।